हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डेली न्यूज़। आज के मुख्य समाचार। चेतन चौहान के निधन पर भावुक हुए मोदी योगी, कई नेताओं ने प्रकट की संवेदनाएं। यूपी के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदंता अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन रविवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनको दुनिया को अलविदा कह दिया। दो बार के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के आकस्मिक निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपनी संवेदना प्रकट की। पीएम मोदी ने कहा, श्री चेतन चौहान जी ने खुद को एक शानदार क्रिकेटर और बाद में एक मेहनती राजनीतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने यूपी में भाजपा और मजबूत करने में प्रभावी योगदान दिया। मैं उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व पूर्व क्रिकेटर श्री चेतन चौहान जी ने अपने जीवन में पहले एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में एक जनसेवक के रूप में देश की सेवा की। उनका निधन भारतीय राजनीति और क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान जी नहीं रहे, यह मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे जितने लोकप्रिय खिलाड़ी थे उतने ही लोकप्रिय जन नेता भी थे। मैंने उनके परिवार के सदस्यों से अभी बात की है। कल चेतन चौहान जी का अंतिम संस्कार होगा। अभी 7 बजे हमारी आकस्मिक कैबिनेट बैठक होगी। धन्यवाद।